दोस्तों, क्या पॉर्न देखने से रेप बढ़ते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बढ़ता है? इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली पिटीशन पहुंची। अभी आपको केस बताता हूं। नगांव डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम की, वहां पे केस निकल के आया। चार लोग थे जो कि पॉर्न के एडिक्ट थे, बहुत ज्यादा पॉर्न देखते थे। और ये चार लोगों ने क्या किया कि एक छोटी 6 साल की गर्ल चाइल्ड को, 6 साल की लड़की कितनी बड़ी होती, बच्ची सी, उसको जबरदस्ती बैठ के पॉर्न दिखाई। जब उसने पॉर्न नहीं देखी तो उसको बहुत ज्यादा क्रूएल तरीके से मार दिया, मर्डर कर दिया। तो आसाम पुलिस के पास केस पहुंचा। आसाम पुलिस ने यहां पे बोला कि भाई देखिए, यहां पे जरूरी है कि डिजिटल एविडेंस इकट्ठा किया जाए रेप, मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में। तो एक मुद्दा यहां पे इंपॉर्टेंट उठा है, मुद्दा यह है कि जो लोग हद से ज्यादा पॉर्न देखते हैं, क्या उनके अंदर रेप करने की और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है? इस बात को क्वांटिफाई करने के लिए, इस बात को लीगल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए नलिन कोहली नाम के एक एडवोकेट हैं, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है। पिटीशन ये फाइल की है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए, इस प्रोसीजर के थ्रू पुलिस को ताकत दी जाए एक सेक्सुअल ऑफेंस केस के इन्वेस्टिगेशन के समय में कि भाई पॉर्नोग्राफिक मटेरियल किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जो लोग भी पॉर्न देखते हैं, पॉर्न देखने वाले ज्यादा क्राइम कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए। अब नलिन कोहली साहब जो कुछ भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए, और एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं उनके चांसेस ज्यादा है रेप और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज करने के। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब और एस रविंद्र भट्ट यहां पर बेंच में बैठे थे, उन्होंने बोला था कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज क्राइम है, लेकिन वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की वजह पॉर्न एडिक्शन है, ये तो केस टू केस बेसिस पे पता ही चल सकता है। मतलब हर पॉर्न देखने वाला यहां पे रेप कर रहा है ये हम नहीं कह सकते, ये आप किसी पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलोगे। और अगर हम अभी सरकार को ये ताकत दे देते हैं कि आप सर्वेलेंस करो, आप ऑनलाइन मॉनिटर करो कि कौन से लोग कितनी पॉर्न देख रहे हैं, तो वो गलत होगा, वो लोगों की डिजिटल फ्रीडम का वायोलेशन होगा। चूंकि यहां पे अगर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया गया तो आप फिर इस चीज को मॉनिटर करने बैठ जाओगे कि जो लोग पॉर्न देख रहे हैं वो क्या बाद में क्राइम कर रहे हैं, तो इससे सर्विलांस बढ़ेगा। एक इंडिविजुअल की ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा और उसके बेसिस पे स्टडी किया जाएगा कि वो क्या पॉर्न देखने के बाद एग्रेसिव या बहुत ज्यादा वॉयलेंट सेक्शुअल बिहेवियर दिखा रहा है, किसी के ऊपर क्या अपने आप को फोर्स कर रहा है। अगर कहीं क्राइम होता है तो उसको रोकना पुलिस का काम है, और क्राइम हुआ है तो उसमें किस हद तक पॉर्न एडिक्शन उस क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। हम आपको एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं दे सकते कि हाँ भाई जो लोग भी पॉर्न देख रहे हैं ऑनलाइन उनको आप मॉनिटर करो, उनके आप सर्विलांस करो ताकि वो आगे क्राइम ना करें। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इनफैक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट कोर्ट किया है यूएस के सुप्रीम कोर्ट का, 1990 का। 1990 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यूएस के अंदर एक आप कह लो जो तबका है, एक जो कम्युनिटी है, उसके लिए इंटरनेट का एक्सेस बैन कर दो, क्योंकि इनके पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये पॉर्न नहीं दे पाएंगे। सोचिए, यूएस के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर तबके लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया, और इंटरनेट बैन करने की वजह ये थी कि इनके पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये पॉर्न नहीं देख पाएंगे। तो ये वही हो गया ना कि अगर आप पिग खाते हो, यूएस की सोसाइटी में पिग खाया जाता है, अब आप सिर्फ पिग खा रहे हो या चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, उसको आपको रोस्ट करना है तो क्या पूरे घर को आग लगा दोगे क्या? अरे लॉन में एक तंदूर लगाओगे, बारबेक्यू लगाओगे, वहां पे पकाओगे उसको, तो नहीं भाई पिग पकाना तो पूरे घर को आग लगा दी तो घर जल जाएगा, उसके साथ पिग भी रोस्ट हो जाएगा, तो आपका खाना तैयार हो जाएगा, ये तो लॉजिक है नहीं। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को पॉर्न देखने से रोकना है तो आप पूरा का पूरा इंटरनेट उसके लिए कैसे बैन कर सकते हो? तो वही चीज यहां पे कही जा रही है कि पॉर्न एडिक्शन के चलते यहां पे रेप हुआ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ, इस बात को चेक करने के लिए जितने भी लोग पॉर्न भेज रहे हैं उनका ऊपर आप ऑनलाइन सर्वेलेंस नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का यहां पे बोलना है। अच्छा, ये जो कोहली साहब थे जो इस पर्टिकुलर केस को यहां पे लेके गए थे, ये कौन से बेसिस पे केस को लेके गए थे? तो इन्होंने कोर्ट किया प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, आपने अक्सर कर देखा होगा कि मतलब कुछ यंग लड़के लड़कियां ओवरऑल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी वीडियो बन जाती है, और फिर वो वीडियो ये वेब कैरम से जो आपकी एडल्ट वेबसाइट्स हैं इन पे अपलोड हो जाती है। अब ऐसे में होता क्या है कि अब वो लड़की की कंसेंट से बनी नहीं बनी, ज़्यादातर तो कंसेंट से नहीं बनती है, बनाई जाती है, उसके बाद धोखे से उनको लाइव कर दिया जाता है। अब ऐसे केसेस में उस लड़की की इज्जत के ऊपर बात आती है। क्यों? चूँकि हमारी सोसाइटी ऐसी है जो कि लड़कियों को टैबू की तरह देखती है कि अरे
लड़का सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा तो उसको उतना कोई नहीं सुनाएगा, लेकिन लड़की की तो इज्जत पे बात आ जाएगी। तो प्रजुला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई एक लड़की के अगेंस्ट इस प्रकार की कोई वीडियो बनती और अपलोड होती है तो पहले ही गाइडलाइंस है कि अपलोड होनी नहीं चाहिए, अपलोडिंग की स्टेज पर ही उसको रोक दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है। तो प्रजुला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को ही यहां पे कोर्ट किया किसने, कोहली साहब ने, और बोला कि भैया ऑनलाइन सर्वेलेंस करो और इस बात को चेक करो कि क्या पॉर्न वीडियो देखने से कोई क्राइम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए प्रजुला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को आप यहां पे मत जोड़िए, प्रजुला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक लड़की की ऑब्जेक्शनल वीडियो को आप अपलोड कर रहे हो तो उससे उसकी डिग्निटी के ऊपर, उसकी पर्सनल रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठता है और हम उसके मतलब डिग्निटी और पर्सनल रेपुटेशन को बचा रहे हैं। तो वहां पे हम इनिशियली आपको एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि हाँ भाई इस प्रकार की कोई भी वीडियो किसी भी प्रकार की वेबसाइट पे अपलोड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पे आप बोलो कि हम आपको ऑनलाइन सर्वेलेंस की ताकत दे दें कि जितने भी लोग पॉर्न देख रहे हैं उनको आप ऑनलाइन मॉनिटर कर सको और ये देखो कि क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, ये परमिशन, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत हम आपको नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल इस लिंक को एस्टैब्लिश करने से मना कर दिया है, केस टू केस बेसिस पे चीज़ों को देखने को बोला है। ये बोला है कि हम आपको ये ताकत नहीं दे सकते कि आप ये सर्वेलेंस करो कि कितने लोग ऑनलाइन पॉर्न देख रहे हैं और बाद में वो क्राइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन पॉर्न की वजह से क्राइम हुआ, ये केस टू केस बेसिस पे आप एस्टैब्लिश करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको किस हद तक सही लगता है, क्या ओवरऑल नवीन कोहली जी की बात सही थी, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर दिखे। एक इंपॉर्टेंट सोशल टॉपिक था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते।